हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग का एक टॉपिक, दैट इज प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग सीक्वेंसिंग। एंड इस टॉपिक का आज हमारा का कॉन्सेप्ट होगा, दैट इज रीअरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब सीक्वेंसिंग जब भी आती है, मतलब एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है ऑफ वर्ड्स। तो जब भी हमारे पास टर्म आएगी सीक्वेंस, That sequence means in a particular order, कि किसी भी एक particular order में हमें arrange करने हैं हमारे words को या objects को। वो particular order depend करेगा कि हर word या हर object के बीच में क्या relationship है, क्या pattern है जिसके through वो एक दूसरे के साथ interrelated है। That is very important over here. तो यहाँ पे क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं किसी भी फॉर्म में, किसी भी चीज़ के प्रोसेस के बारे में, या किसी भी एनिमल या किसी भी एक पर्टिकुलर थिंग की लाइफ साइकिल के बारे में बता सकते हैं। तो इस तरह से हर वर्ड जो है वो इंटर रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल ऐसे आ सकता है आपके पास क्वेश्चन के ह्यूमन बींग की कितनी स्टेजेस होती हैं लाइफ में, वो स्टेजेस के आपको एक जंबल्ड फॉर्म में स्टेजेस होंगी, उन स्टेजेस को आपने एक सीक्वेंस में अरेंज करना है, और आपके पास हर वर्ड के कोरिस्पोंडिंग एक नंबर प्रोवाइडेड होगा, उन नंबर्स को आपने अरेंज करना है एक प्रॉपर ऑर्डर में, और जो भी वो ऑर्डर आएगा ऑप्शन से, जो भी ऑर्डर मैच कर रहा है दैट विल बी योर ऑप्शन। तो जैसे आज हम बात कर रहे हैं रीअरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स की, तो ऐसा आ सकता है कि आपके पास 4-5 ऑब्जेक्ट्स गिवन हो, वो जंबल्ड फॉर्म में हो, लेकिन आपस में इंटर रिलेट करेंगे ज़रूर। आपने उन्हें एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना है ताकि एक प्रोसेस प्रॉपर आपको दिखाई दे, दैट इज़ द मेन एजेंडा। तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत ही इजी होते हैं, थोड़ी सी जनरल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, थोड़ी सी कॉमन सेंस की रिक्वायरमेंट होती है, एंड वी आर डन विद द क्वेश्चंस। ज़्यादा कुछ लॉजिक, ज़्यादा कुछ ट्रिक्स इनमें है नहीं, सिंपल से क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं हमारे अभ्यास ऑनलाइन पोर्टल पे, दैट इज़ abhyasonline.in। तो आप रजिस्टर कीजिए अभ्यास पोर्टल पे और क्लिक ऑन दिस कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे, अटेम्प्ट कीजिए उन क्वेश्चन पेपर्स को, सो दैट आपके पास एक प्रॉपर एनालिटिकल रिपोर्ट प्रोवाइडेड हो, जिसमें आपके स्ट्रॉन्ग और वीक कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हम कर सके, ताकि आप अपने वीक कॉन्सेप्ट्स को भी स्ट्रॉन्ग कर पाएँ, एंड यू कैन स्कोर गुड इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो यहाँ पर हम थोड़े से क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग रीअरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और फिर देखते हैं कि कैसे वर्ड्स जो है वो आपस में इंटर रिलेटेड है, या इस कॉन्सेप्ट में कौन कौन से टॉपिक्स हमसे पूछे जा सकते हैं। सो लेट्स टेक अ लुक। तो अब ये है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमारे पास 4 वर्ड्स गिवन है, हर वर्ड के कोरिस्पोंडिंग एक नंबर है, और हमें अरेंज करने हैं इन 4 ऑब्जेक्ट्स को इन प्रॉपर ऑर्डर। तो हमें अरेंज करना है, मीनिंगफुल सीक्वेंस बनानी है। हर वर्ड जो है यहाँ पर, या हर ऑब्जेक्ट जो है वो आपस में इंटर रिलेटेड है। कैसे? कि फ्रेज भी वर्ड से ही बनता है, और वर्ड बनता है लेटर से, सेंटेंस भी वर्ड से बनता है और वर्ड बनता है लेटर से। मतलब सबसे पहली चीज़ जो इस प्रोसेस में या इस स्टेज में आ सकती है, तो सबसे पहले है हमारे पास लेटर्स, क्योंकि जब तक हमारे पास लेटर नहीं होंगे तब तक वर्ड फॉर्म नहीं होगा। जब तक वर्ड फॉर्म नहीं होगा तब तक हम कोई भी फ्रेज या सेंटेंस को फॉर्म नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आएगा लेटर, लेटर के बाद आएंगे वर्ड्स, वर्ड के बाद आएगा फ्रेज, और फ्रेज से बनते हैं सेंटेंसेस। तो यही हमारा एक लॉजिकल सीक्वेंस बनेगी, क्योंकि सबसे पहले लेटर्स, लेटर्स को जब हम कलेक्ट करते हैं तो वर्ड्स फॉर्म होते हैं। कलेक्शन ऑफ वर्ड्स इज रेफर टू एज फ्रेज, और फ्रेज को जब हम थोड़ा सा और एक्सपैंड करते हैं तो हमारे पास आएंगे सेंटेंसेस। या तो ऑप्शंस में ऐसे आपके पास वर्ड्स गिवन होंगे, या जैसे अगर आपके पास नंबर्स गिवन है तो लेटर के कोरिस्पोंडिंग नंबर है 2, वर्ड के कोरिस्पोंडिंग 3, देन 1 एंड 4। तो या तो आपके पास ये ऑप्शन होएगा, या आपके पास प्रॉपर वर्ड्स लिखे गए होंगे इन अलॉजिकल सीक्वेंस। तो कोई भी आपके पास दोनों में से जो भी ऑप्शंस में अवेलेबल होएगा
दैट विल बी योर आंसर। तो देखा जाए तो रीजनिंग में, रीजनिंग तो खाली यही है कि आपको लॉजिकली अरेंज करना है, लेकिन यहाँ पर आपको, आपके पास इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि क्या हम यहाँ पर रिलेशनशिप डिस्कवर करें ताकि हम वर्ड्स को एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज कर सकें। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स टेक अ लुक एट सम मोर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे, अगेन हमारे पास यहाँ पर फाइव वर्ड्स या फाइव ऑब्जेक्ट्स गिवन है, लेकिन वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं है, सीक्वेंस जो है वो थोड़ी जम्बल फॉर्म में है। क्वेश्चन में भी यही गिवन है कि हमें मीनिंगफुल सीक्वेंस में उसे अरेंज करना है। मीनिंगफुल सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए पहले हम वर्ड्स को पढ़ेंगे कि है क्या। फ्रॉग, ईगल, ग्रास हॉपर, स्नेक एंड ग्रास, ये हमारे पास पांच वर्ड्स गिवन है। अब ये पांच जो हमारे पास वर्ड्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर हम थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करें तो हमें पता है कि यहाँ पर समवॉट दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। क्यों? क्योंकि ये एक फूड चेन को फॉर्म करेंगे। फूड चेन कैसे? क्योंकि हर यहाँ पर इंसेक्ट या एनिमल कुछ भी है वो आपस में इंटर रिलेट करता है, और वो इंटर रिलेट कैसे करता है? क्योंकि एक दूसरे के ऊपर वो फीड करते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से, बिल्कुल बेसिक, मतलब हर्बीवोरस जो है। हर्बीवोरस क्या है यहाँ पर? ग्रास हॉपर एंड ग्रास। तो सबसे पहले हम ये बोलेंगे कि ग्रास हॉपर जो है वो ग्रास के ऊपर फीड करता है, तो सबसे पहले आएगा ग्रास, और ग्रास के बाद आएगा ग्रास हॉपर, क्योंकि ग्रास हॉपर फीड्स ऑन ग्रास। अब ग्रास हॉपर के ऊपर इनमें से कौन फीड करेगा? फ्रॉग, राइट? फ्रॉग जो है वो ग्रास हॉपर के ऊपर फीड करता है। फ्रॉग के ऊपर ईगल और स्नेक में से फीड करेगा स्नेक। स्नेक फीड करता है फ्रॉग के ऊपर, और स्नेक के ऊपर फीड करता है ईगल। तो यही हमारा एक करेक्ट सीक्वेंस बनेगी और यही लॉजिक बनेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि बन रही है एक फूड चेन। फूड चेन की एक साइकिल बनेगी यहाँ पर, क्योंकि ग्रास के ऊपर फीड करेगा ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर के फीड करेगा फ्रॉग, फ्रॉग के ऊपर फीड करेगा स्नेक, और स्नेक के ऊपर फीड करता है ईगल। ये इतना सा आपके पास जनरल नॉलेज होनी चाहिए कि किसके ऊपर कौन फीड कर सकता है, और अगर ऐसे फॉर्म में आएगा तो वेल एंड गुड, नहीं तो ग्रास के कोरिस्पोंडिंग है फाइव, देन थ्री, वन, फोर एंड टू। ये भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं। आउट ऑफ द टू जो भी ऑप्शन अवेलेबल है, पुट टिक मार्क ओवर देयर, वो बन जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो जैसे कि आपने यहाँ पर दोनों क्वेश्चंस में देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें कॉमन सेंस और जनरल नॉलेज की ही रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद लॉजिकली हमने अरेंज कर देने हैं हमारे जो भी ऑब्जेक्ट्स हमें प्रोवाइडेड हैं, तो हमारे पास एक करेक्ट सीक्वेंस आ जाएगी। क्वेश्चंस जो है बहुत ही ईजी होते हैं, इसमें कितना भी एडवांस लेवल ले आए जनरल नॉलेज ही चेक होगी। सो आई सजेस्ट यू टू प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस मोर, ताकि आप स्पेशली इन वाले क्वेश्चंस में तो फुल स्कोर कर सके। सो प्रैक्टिस करने के लिए रजिस्टर कीजिए हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे, दैट इज़ अभ्यास ऑनलाइन डॉट इन। रजिस्टर करने के बाद आपके पास कॉन्सेप्ट्स प्रोवाइडेड होंगे, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्लिक कीजिए, सैम्पल पेपर्स अटेम्प्ट कीजिए, ताकि आप खुद को भी एनालाइज कर पाओ और आपको पता लग जाए कि कौन से ऐसे अभी भी हमारे पास एरियाज हैं जिनके ऊपर हमें और इम्प्रोवाइजेशन की रिक्वायरमेंट है। तो इससे हम अपने ट्रिक्स को और ज़्यादा एडवांस बना पाएंगे और अपनी रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग। So I suggest you to keep learning and keep practicing, and do register at abhyasonline.in.